वेलकम बैक टू मूनशाइन। आई एम स्वाति। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, मैं अभी पटना में हूँ, मासी के घर पे हूँ। पता नहीं मेरा आवाज़ आपको जा रहा है या नहीं, मेरा गला बहुत बैठ चुका है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग अभी कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया। यू नो दैट हम लोग पटन देवी मंदिर जा रहे हैं एंड देन उसके बाद हम जाएंगे पटना साहिब। ये दो जगह आ जाएंगे हम, तो दोनों के ऊपर मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग बनाऊं कि आज हम मंदिर जा रहे हैं वो कैसा है, क्योंकि बहुत ही फेमस मंदिर है पटन देवी मंदिर एंड पटना साहिब ऑल्सो। सो आज मैं एंड मेरी सिस्टर्स एंड मेरी कजिन्स एंड मेरी मॉम, हम लोग सब जा रहे हैं। आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि मैं अच्छे से ये वीडियो को पूरा कर पाऊँ एंड मेरा वॉइस का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट मैं मैनेज जरूर करूँगी। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, रेडी होंगे नहा धो के एंड उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। तो मैं रेडी होकर आपको फिर से ज्वाइन करूँगी एंड पूरा रास्ता एंड पूरी जगह का मैं अच्छे से आपको दिखाऊँगी कैसा है कैसा नहीं लगा। और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, सो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मैं आपका ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये मेरी सिस्टर है प्रिया। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। सो अभी कितना बज रहा है, 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग वहाँ जाके आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सो मैंने पहना ये ट्रेडिशनल लुक किया है और सभी ट्रेडिशनल पहन जा रहे हैं क्योंकि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। ज्योति कहाँ गई, इससे तो आपने मिला ही होगा। और एक सिस्टर तो अभी रेडी हो रही है, कब पता नहीं वो रेडी होगी, इससे देख लो। और बस हम लोग फुल रेडी हैं, बस निकलना है। अब वहाँ जाके मैं आपको ज्वाइन करूँगी गाइस। सो गाइस, हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं एंड यहाँ के पता चला है कि कोविड के वजह से हमें अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, तो बाहर से ही पूजा किया जा रहा है। तो अभी हम लोग पूजा के सामान ले रहे हैं जो हमें पूजा करना है। एटलीस्ट पूजा तो हो रही है, बहुत बड़ी बात है। अंदर नहीं जाने पा रहे, कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ही पूजा कर लेंगे। एंड ये मंदिर बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुरानी मंदिर है गाइस। पटन देवी मंदिर हर कोई जानता है। पटन देवी मंदिर के नाम से ही पटना सिटी का नाम रखा गया है, इतना फेमस मंदिर है ये। ये मंदिर जो है गाइस, वो माता सती के जो पार्ट्स जो हर दिशा पे गिरे थे, तो उनका जो पट था वो इस जगह पे गिरा था पटना में, तो इस मंदिर का नाम पटन देवी रखा गया। और ये मंदिर बहुत ही पुरानी है गाइस, आप समझ सकते हो। एंड ये बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। एंड सो गाइस, हम बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अंदर दिख जा रहा दर्शन, तो हम कर पा रहे हैं गेट के बाहर से ही। एंड ये आप देख सकते हो। सो मैं अभी नारियल फोड़ रही हूँ गाइस एंड यहाँ फोड़ गया है। तो इसी तरह से हमने पूजा अच्छे से कर लिया है। तो वीडियो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, सो सॉरी फॉर दिस, बिकॉज ये जो शूटिंग है मेरी सिस्टर कर रही थी इसीलिए। तो मंदिर तो बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह का टाइम है तो बहुत लोग आ रहे थे पूजा करने के लिए, तो भीड़ तो बहुत हो रही थी। और आज जो मंडे था तो शायद इसीलिए। अब हम बाहर से ही पूजा कर रहे हैं दिया एंड ऑल। तो मैं बाहर से भी आपको पूरा दिखाऊंगी गाइस मंदिर के। एंड आपको यहाँ से दिख रहा होगा माता का दर्शन, आप कर सकते हो मे भी थोड़ा बहुत। तो हमारी पूजा हो गई है गाइस, अब मैं बाहर का मंदिर का सब कुछ आपको शो करूँगी। सो गाइस, हम यहाँ पे आए हैं राजेंद्र नगर से। तो यहाँ हमें आने में 30 मिनट का टाइम लगा है। अब आपको अगर यहाँ पे आना है तो आप बड़ी पटन देवी मंदिर बोल के आप कैब बुक कर सकते हो, ऑटो बुक कर सकते हो, कुछ भी अपनी सुविधा से आप आ सकते हो। तो गाइस, बाहर का आप दृश्य देख सकते हो, इसमें शिव एंड सती माँ का बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। एंड ये जो मंदिर है गाइस, वो सती माँ के पट जो गिरे थे, कट के जो गिरे थे पार्ट्स उनके बहुत सारे जगह पे, तो यहाँ पे उनका पट गिरा था, इसीलिए इस मंदिर का नाम जो है वो है पटन देवी मंदिर। तो यहाँ पर माँ का पट गिरा था, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुरानी मंदिर है गाइस, बहुत पहले की, बहुत ही अच्छी मंदिर है। हम अंदर नहीं जा पाए, इसके लिए बहुत अफसोस हुआ, बट कोई बात नहीं, कोविड के गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी है। एंड गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं पटना साहिब। यहाँ मंदिर में हमने पूजा कर लिया है
खाया नहीं है नाश्ता, हम पूजा वूजा करके ही खाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं टोटो में बैठे हैं, ये मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर हम सब बैठे हैं। हम लोग जा रहे हैं पटना साहब, यहाँ से कितना दूर है 10 मिनट, यहाँ से 10 मिनट दूर पे है। तो वहाँ का जो व्यूज है गाइस वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ वीडियो बनाने में मुश्किल हो रहा है, अब मैं मास्क पहनने वाली हूँ। सो बाय बाय। सो गाइस अभी पटना साहिब हम पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, एंड अभी हमें यहाँ पहुंचने में 15 मिनट लग गया पटन देवी से पटना साहिब, और हम ऑटो में ही आए हैं। एंड आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आके हमें सिर ढकना है, बिकॉज यहाँ का रूल है आपको सिर में चुन्नी देना है, कंपलसरी है, वरना बहुत डांट पड़ती है। मुझे भी एक दो बारी पड़ी, बट मेरी एक सिस्टर को बहुत बारी डांट पड़ी, तो हम लोग बहुत हंसे इस चीज़ को लेके। एंड या हम लोग बहुत कोशिश करते कि रखें, बट कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, सो इसी वजह से यहाँ पे हम अभी जूती रखेंगे हम सारे। तो यहाँ पे आप जूती रख सकते हो, तो अब यहाँ पे हमें रख के जाना है अंदर। तो हमने रख लिया है जूती, अब हम निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में ही पानी मिलेगा, आप अपना पैर अच्छे से धो के आप जा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा ये जो यहाँ का रूल है, आप आराम से पहले अपना पैर धो लो एंड देन आप जाओ। तो यहाँ पर हमने अपना पैर वॉश कर लिया, आई मीन धो लिया, तो आप क्या हो गए ना पूरे क्लीन जाओगे, बहुत अच्छा लगता है। सो बस अब हम लोग चल रहे हैं। मेरी बहन को डांट पड़ी एक्चुअली, तो वो ढक रही है अपना सिर, ये भी मैंने इसमें डाल दिया, बिकॉज ये चीज़ आप हमेशा रिमेंबर रखो, आप जब भी गुरुद्वारा जाओ सिर पे दुपट्टा हमेशा रखो। एंड या गाइस बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, और ये गुरुद्वारा भी बहुत ही पुराना है, इसीलिए इसका नाम भी पटना साहिब रखा गया है। तो आप देख सकते हो गाइस बहुत ही खूबसूरत है। अब हम अंदर जा रहे हैं गुरुद्वारा की ओर, मतलब जहाँ पे पाठ होता है वहाँ पे। बहुत ही अच्छा सीन है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको अगर अंदर प्रसाद चढ़ाना है तो कड़ा प्रसाद आप यहाँ से ले सकते हो, आई मीन आपको परचेज़ करना हो अंदर चढ़ाने के लिए, ऐसे आपको अगर खाना है प्रसाद तो आपको मिल जाएगा, बट आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो 20 रुपीज़ लगा था, आप यहाँ से प्रसाद लेके आप चढ़ा सकते हो अंदर, यहाँ से आप प्रसाद लेके अंदर आपको चढ़ाना है। तो मैं मुझे मिल गया प्रसाद, अब हमें अंदर जा रहे हैं। तो गाइस आप भी मुझे फॉलो करो एंड चलो, यहाँ से अंदर की ओर है तो इधर है, अब हम अंदर जा रहे हैं गाइस। तो अंदर का सीन आप देख सकते हो, हमने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं था उतना वीडियो बनाना अंदर पे। सो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। तो गाइस अंदर में हम ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि हमें पूजा करना था, ध्यान देना था, सो इसीलिए तो ये थोड़ा बहुत ही शूट कर पाए। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है। सो गाइस हमने पूजा कर लिया है, तो हमने बहुत ही अच्छे से ध्यान से पूजा किया, प्रसाद चढ़ाया, एंड अब हम निकल के जा रहे हैं। तो हम लोग शायद प्रसाद खाने जा रहे हैं, तो कड़ा प्रसाद आपको मिलेगा बाहर में, आप वहाँ पर ले सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग लंगर खाने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं मेरा वॉइस आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बट अभी ट्राई। तो बस हम लोग अभी पहुँच गए, आपका आपने व्यू तो देख लिया होगा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगा। एंड हम लंगर खाने जा रहे हैं अभी, यहाँ पे पानी है ना, पानी है। हमें बहुत देर से प्यास लगी थी गाइस, तो अभी पानी मिल चुका है। अब ये पानी मैं 2 कटोरा पीने वाली हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है एंड बहुत भूख भी लगी है। तो इसके बाद पानी पीने के बाद हम लंगर के लिए जाएंगे आगे। तो मेरी बहन ने मेरा पीते हुए भी शूट कर दिया।
एंड थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लंगड़ हॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नीचे से जाओगे तो आपको लंगड़ हॉल की एंट्री वहाँ पे मिलेगी, आप आराम से वहाँ जाके लंगड़ कर सकते हो और आप चाहो तो सेवा भी कर सकते हो। फिलहाल तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है गाइस, तो हम पहले लंगड़ करेंगे। तो यहाँ का रास्ता लंगड़ जाने का इधर से, तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस यहाँ आके। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत पसंद आया एंड बहुत ही शांति लगता है जब यहाँ पे मतलब आते हो। तो अब जब भी पटना हो गाइस तो पटना साहिब ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया एंड आप ज़रूर आना एंड लंगड़ खा के तो ज़रूर जाना। तो चलिए हम जाते हैं लंगड़ की ओर। तो हम लंगड़ हॉल पहुँच चुके हैं। यहाँ से मैंने थोड़ा वीडियो नहीं बनाया है, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कहीं मुझे डांट वाट ना दे। हम बैठ चुके हैं एंड खाना आप देख सकते हो हमारे प्लेट पे, बहुत ही टेस्टी खाना था गाइस, मैंने आज तक ऐसा लंगड़ खाना नहीं खाया था। अब ज़रूर आना, लंगड़ ज़रूर करना गाइस। तो ये निशान साहिब है, अब व्यूज़ देख सकते हो गाइस। हमने लंगड़ के बाद हम फिर अंदर आए, फिर हमने बहुत सारा वीडियो फ़ोटोज़ लिया, बहुत मस्ती किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर है, आप ज़रूर ज़रूर आना एंड मेरा मन करे तो मैं फिर दोबारा ज़रूर आऊँगी जब भी पटना आऊँगी। तो सो गाइस अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, तो बस हम लोग निकल रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं हम लोग सब कोई और बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो अभी हम लोग घर जा रहे हैं एंड सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है वीडियो में वो सबसे पहले। तो बाय बाय।